रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की वजह से बंद हो जाए, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी सिर्फ 7 साल ही हुए हो। आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा। ये स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली। साल 1967 में बेगुन कोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही ये भी अफवाह उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुन कोडोर के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर नाचते हुए भी देखे जाने का दावा किया गया। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाने लगा। ये रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला के भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे यहाँ से भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुन कोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती तो वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता। यहाँ तक कि स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता और ना ही कोई स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार होता। उसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। कहते हैं कि स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय तक पहुँच गई थी। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे ताकि जल्द से जल्द वो स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। हालांकि 42 सालों के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बैनर्जी ने एक बार फिर स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक स्टेशन पर किसी के भी भूत दिखने का दावा नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर नहीं रुकते। फिलहाल यहाँ पर करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। आपको इस भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और स्टेशन को लेकर आपके मन में जो भी विचार हो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और इसी तरह की और भी कई खबरें और भी कई जानकारी आप तक हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचती रहेगी। इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।